बीजेपी को बोल यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये कहती थी पूरे संपूर्ण पूरे संसाधनों पे निशानों का हक होगा यही सरकार अब हम सीधा रुख कर लेते हैं जनता जनार्दन होती है जनता के पास चलते हैं कि जनता क्या सोचती है जनता जनार्दन के पास चलते हैं क्या मानते हैं आप मानना ये है आप क्या मानते हैं बुजुर्ग है कई जो है उतार चढ़ाव देखे हैं राजनीतिक आपने कई सरकारें बनती और बिगड़ती देखी होंगी क्या मानते हैं आप क्या मानते हैं चाहे वो आवास के नाम पे रहा हो चाहे वो जो भी बरबरा के गिर गया ये आवास के नाम पर लोग जेब भरने का काम कर रहे हैं आप क्या मानते हैं अपना पेट भर रही है आप बताइए आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी का काम करती है ये सब जुमलेबाजी का काम आप क्या मानते हो मुसलमान को लड़ाती है नफरत फैलाती है समाज समाज नफरत फैलाती है आम आदमी को लड़ाती है आप क्या मानते हो क्या नाम आपका मेरा एक ही सवाल है सभी तक कि आप हमको ये बताइए जो जितने भी पार्टियां हैं जैसी राजनीति कर रही है इससे बताइए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल का क्या हाल है आखिर युवा क्या करेगा एजुकेशन की कोई बात नहीं या तो है यादों पे बात करेंगे सुनिया चौधरी पे बात करेंगे ठाकुरराज ठाकुर पे बात करेंगे सब कोई अपना जात पात लेके चल रहा है बताइए हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा अगर पड़ोसी देश उनका हमला करेगा तो ये क्या देख के करेगा कि खाली मुसलमान को मारेंगे या हिंदू को मारेंगे या क्रिश्चियन को मारेंगे अगर वो अटैक करेगा तो ये देख के करेगा कि हम हिंदुस्तान पे कर रहे हैं आखिर जो जिस तरीके से राजनीति हो रही है तब से आप देख रहे हैं तो बताइए हमारे हिंदुस्तान के युवाओं का क्या होगा बहुत सही युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और जात और धर्म के ऊपर जो है पब्लिक का मानना है जनता जनार्दन होती है उसका मानना है कि जात और धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मित्र ने कहा कि ये सबके सबकी सरकार है सबका साथ सबका विकास मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ डुमरियागंज की बात विधायक जी के आवास पे मुसलमानों का प्रवेश करके पहली बार ऐसा विधायक डुमरियागंज में हुआ इससे पहले तमाम लोग विधायक हुए जिनके दरवाजे हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़ों सबके लिए खुले रहते हर आदमी हिंदू भी जाता था मुसलमान भी जाता था सबकी बात सुनते थे सबको सम्मान देते थे आज जात और धर्म पूछ के लोगों को परेशान किया जा रहा है डुमरियागंज में मैं तमाम ऐसे पीड़ित मुसलमानों से आपको मिलवा सकता हूँ जिनकी जमीनें हैं 150-150 साल से 100 साल के जिनके कब्जे में है उन जमीनों का 150 साल पुराना रिकॉर्ड निकलवा के उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है आज मुसलमान बहुत ज्यादा है सरकार में विधायक आप बताइए आप क्या मानते हैं बिल्कुल अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जो लोग ढोरा पीट रहे हैं वैसे तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का ऐसा झूठा मुख्यमंत्री हमको मिला है कि आज नौजवान भी शर्मसार है कि शायद हम किस युग में जी रहे हैं जहां पर झूठ की पूरी लंबी फहरिस्त है तो आपको बता देना ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इन युवाओं का दर्द समझ सकती है वास्तव में आज भाजपा ने जो गहरी खाई खोद दी है जिससे आम जनमानस में एक दर्द और एक बौखलाहट है उसको दूर करने के लिए
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक रास्ता है जिसकी तरफ सबको लौट जाना चाहिए। हाँ, तो ये विपक्ष का आरोप है और इसके जवाब के लिए हम सीधा चलेंगे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अब मौजूद हैं उनके पास चलेंगे। आपसे एक बड़ा सवाल आपके ऊपर उठ रहा है बीजेपी के ऊपर, जैसे आप समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों पे जब सत्ता में नहीं थे तब गुंडई का आरोप लगाते थे, जमीन कब्जाने का लाल टोपी के ऊपर भी भाजपा का हमेशा से कमेंट रहा है, तो आप भी उससे अछूते नहीं है जैसा कि कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है? देखिए, कांग्रेस का काम ही है लोगों को बांटना। कांग्रेस यही पे जो है राजनीति करती थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनका एक नारा था कि जो भी विकास का अंश होगा वो एक मुस्लिम वर्ग को ही जाएगा। आपके ऊपर आरोप है कि आपके जो भारतीय जनता पार्टी, मैं जवाब चाहूंगा, मानेवर मेरा सवाल सुनिए, मानेवर मेरा सवाल सुनिए। जैसे कि कांग्रेस आपके आरोप लगा रही है कि आपके जो विधायक हैं उनके जो है दरवाजे पे मुस्लिम का प्रवेश, मुस्लिमों का प्रवेश, सबका साथ, मानवर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा और उनके विधायक के घर पर जो है मुस्लिमों का प्रवेश आरोप है। विधायक के आवाज से जो है कोई भी परिवार जाता है पीड़ित परिवार समझ करके जो है विधायक जो है उसकी जो है सुनते हैं। और ये कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस तो यही कह रही है कि आप बताइए, यही कांग्रेस गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता विकास, सत्ता साथ सत्ता विकास का नारा जो लगाया था उसके लिए काम करती है। और ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस के लोग केवल हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं। आप डुमरियागंज के धरती पर आ जाइए, डुमरियागंज के धरती पर कोई नहीं व्यक्ति बता सकता। आप बताइए, जो इनका दावा है कि ये झूठे आरोप है, इनके दावे सभी दावे झूठे हैं, ये पूरी पार्टी ही झूठी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे योगी आदित्यनाथ हो, आप, मैं लोकल की बात करना चाहते हैं, डुमरियागंज राजेंद्र सिंह डुमरियागंज के विधायक है, उनके आवाज कहते हैं कि सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात में उनके हालात ये है कि तमाम हिंदू नौजवान जिनको नौकरियां नहीं मिली, जिनके परिवार में कोरोना काल में हजारों मौतें हुई, वो लाठी लेकर चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अभी लगातार मुसलमानों के ऊपर वार करके अपने चुनाव की नैया पार करना चाहते हैं। लेकिन मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि इस बार राघवेंद्र सिंह की जमानत डुमरियागंज से जब्त होनी है। आपके पास आते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ नगर में कौन से प्रभावी मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव में चलेंगे, या जातिवाद पर आधारित चुनाव होगा, या फिर विकास रहेगा, या फिर नौजवानों के रोजगार की बात होगी, किस मुद्दे पर आपकी चुनाव होने वाला है? सिद्धार्थ नगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दा होगा बेरोजगारी, मुद्दा होगा महंगाई, मुद्दा होगा विकास, मुद्दा होगा भाजपा का भ्रष्टाचार, मुद्दा होगा यहाँ डुमरियागंज में भाजपा के विधायक का अत्याचार। जिस तरीके से रावण ने अपने समय में अत्याचार किया था, उसी तरीके से इस 5 साल की सरकार में डुमरियागंज के विधायक ने रावण की तरह यहाँ के गरीबों, मजलूमों, नौजवानों पर अत्याचार किया है। उसका जवाब आने वाले 2022 के चुनाव में जनता बैठी है। मैं आपको बता दूं, आप गाँव में देश के आजादी के बाद 2012 में हमारी सरकार थी, जहाँ सड़कें नहीं थी, मैं ऐसे आपको सैकड़ों गांव गिनवा दूंगा कि जहाँ जाने की सड़कें नहीं थी, वहाँ समाजवादी पार्टी की 2012 की सरकार में हमने, हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, और हमने अपने रिजीम में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया, और हमने विकास की गंगा जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से लेकर के डुमरियागंज तक बहाया, उसी तरीके से हमने डुमरियागंज में हर गाँव मैं बोलना चाहता हूँ। जब से देश आजाद हुआ डुमरियागंज में सबसे ज्यादा विधायक मेरे पास रहे,
25 साल एमएलए रहे, विकास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं विकास हुआ? क्यों नहीं विकास हुआ? हमारे अप्पू को सबसे ज्यादा मुस्लिम पसंद करते थे, उसके बाद कई हिंदू भाई पसंद करते थे। मैं एक वैसा शख्स हूँ जो 20 पार्टी से विधायक बना हूँ, हिंदुओं के तरफ से मैं 20 पार्टी से विधायक बना हूँ। बहुत अच्छी बात, आवाम आवाम जिस पास चलते हैं उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि अब की जो है कौन सा मुद्दा चलेगा, क्या मानते हैं कि कौन सा मुद्दा आपकी सिद्धार्थनगर में चलेगा? सिद्धार्थनगर में इस बार सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा और ये नफरत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल करने जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर जो चल रही है उससे बौखलाए हुए हैं योगी जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नफरत भरी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ ये हिंदू मुसलमानों के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए क्या मानते हैं कि कौन सा मुद्दा आपकी चलेगा? सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, पहले हम लोग सोचते थे कि हो सकता है आए कुछ करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है केवल झूठ बोल रही है। पिछले जो पिछली समाजवादी सरकार थी, मैं सर 2014 का बीएड का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और इस समय 22 की लीडर टीम का प्रदेश अध्यक्ष। सुनिए सुनिए पहले बात सुन, आप अपनी बात कहो, आप अपनी बात कहो। खाली 1,37,000 पदों को 5 साल में नहीं भर पाए समाजवादी सरकार ने। समाजवादी सरकार 5 सालों में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की थी और ये 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पद नहीं भर पाए, 27,000 से ऊपर पद खाली है। एकदम झूठ बात बोलते हैं, अगर इस बार रोजगार की बात आप बताइए, मैं आप वोट पाएंगे राजकुमार यादव जी को। आज यदि जो विपक्ष का काम किया है 2017 से लेकर 2022 तक, तो रामकुमार उप सिंह को यादव नहीं किया था, कोई नेता ही नहीं किया। आप बताइए, रोजगार थे, अगर रोजगार नहीं मिला तो बेकार है। हम 2011 बीएड के अभ्यर्थी हैं और करीब 12 साल हो गया हम लोगों को जो है सरकार नौकरी नहीं दी, यहाँ तक कि हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीत भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा लिबर्टी दे दिया कि इनको अभ्यर्थी को नौकरी दी जाए, फिर भी ये बीजेपी सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है। तो इस बार जो हम लोग वोट देंगे, जो विकास की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो रोजगार पे बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, हम युवाओं की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। आप बताओ किस पे आप की बार वोट करोगे? 97,000 परीक्षार्थी जो यूपीएससी की परीक्षा से रद्द होने के बाद इको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लखनऊ में तानाशाह सरकार बैठी है जो परीक्षार्थियों को अपने पुलिस बल के जो है इस्तेमाल करके उनको इको गार्डन भेज दे रही है और उनका कोई नाम नहीं लिया जा रहा। आप बताइए, आप युवा हो, किस मुद्दे को लेकर अब की आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी परसों का मामला है, 4 बजे पहले बलरामपुर के तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन की हत्या कर दी गई, वहाँ पर नहीं जा पाए अखिलेश यादव जी। मैं सिर्फ मेरा यही सवाल है कि वहाँ पर आप नहीं जा पाए और पंडित सिंह जिनकी मौत हुई, आप वहाँ से तुलसीपुर नहीं जा सकते थे, आप गोंडा तक आए, 7 किलोमीटर का मार्ग मिशन था, आप क्यों नहीं चले गए? मेरा इतना मानना, ये मुद्दे हैं लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहते किस मुद्दे पर आपकी आप लोग वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक जुर्म मुद्दा था कि किसानों का आय दोगुना करेंगे, आय दोगुना क्या, ये हम भी किसान है, खाद के बोरी से 5 किलो इन्होंने चुरा लिया, 50 किलो के बोरी इन्होंने 5 किलो उसमें कम करके 45 किलो इन्होंने कर दिया है, किसानों का मुद्दा है। डुमरियागंज के विकास की बात रही है, डुमरियागंज में इन्होंने सिर्फ जो है जो यहाँ के विधायक है सिर्फ गेट बनवाया है इन्होंने, ठीक है, दो समुदाय स्वास्थ्य, एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ डॉक्टर नहीं है, 2 समुदाय स्वास्थ्य बने हैं लटेरा और सिसिया में, उसका इन्होंने संचालन नहीं करवाया, वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं, जो मूलभूत जरूरत है यहाँ जनता की उस पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ इन्होंने गेट बनवाया यहाँ जो है, खाली जनमानस में जो है जो आपसी भाईचारे थी उसको दूर किया, खत्म किया इन्होंने, सिर्फ जो है विकास का जो काम होना था, जो स्कूल का मामला था, जो यहाँ अस्पताल का मामला था, जो जरूरत थी अस्पताल बना हुआ है ठंडा हाथ की हाथी की दांत की तरह, वहाँ डॉक्टर नहीं पोस्ट करवा पाए, न सिरसिया अस्पताल का संचालन करवाया, ना इन्होंने ना लटेरा अस्पताल का संचालन कराया, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, और जो पहले से अस्पताल है वहाँ जो है वहाँ की हालत भी बुरी है,
और आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, अभी भी कोरोना है, उससे पहले भी कोरोना काल था, यहाँ ना ऑक्सीजन था, ना यहाँ डॉक्टर उपलब्ध थे, ना यहाँ जो है मरीजों को सुविधा मिल पा रही थी, तो और क्या आप बताए आप अपनी बात क्या है, आप नहीं बताइए, आप ही से जाना, आपके ऊपर बड़े आरोप है, युवाओं का रोष है, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी इन दादों को कैसे जुड़ेगी और समाज में कैसे समाज के बीच जाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा किया इसी के साथ में पूरे क्षेत्र के लिए पूरे परिवार ये ही विकास ये सभी परिवार इसका मतलब सड़क की बात है, डुमरियागंज के जो है इस विधानसभा पे आप देखिए, आप जो है भैसैया मार्ग लेकर के हम लोगों ने बनवाया, आपके यहाँ डबुआ से लेकर कुल मिला जुला के मान्यवर ये मान लें कि सारे लोग जितने बैठे हैं या पूरी आप मेरा सवाल सुनो मेरा एक सवाल, अरे अरे ऐसा नहीं, आपने बहुत काम किए, ये झूठ बोल रहे हैं आप बहुत काम किए, मानेवर एक मिनट, आप बताएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब ये है कि सारी जनता जो सिद्धार्थ नगर की दूध भात खा रही है, मगन है, भारतीय जनता पार्टी की जनता नहीं है ये, सिद्धार्थ नगर की जनता नहीं है ये, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, इनको जनता में देखो, अच्छा मीडिया दुश्मन है, बीजेपी की मीडिया दुश्मन है, आपके दुश्मन है, आप ही कह रहे हैं कि अमन क्या है, तो क्या सारे लोग झूठ बात कर रहे हैं? बीजेपी कह रही है मान्यवर, बीजेपी कह रही है कि सारे लोग दूध भाप खा रहे हैं और अमन चैन में हैं, ठीक है ना, कांग्रेस की नजर से देख रही है। अब ये कहने को तो ये बहुत कुछ कह रहे हैं, डुमरियागंज में कहां जो दूध भाप खा रहे हैं, लोग 2 जून से भोजन के लिए तरस रहे हैं, चारों तरफ बेरोजगारी है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, सत्ता ये लोग दूध खा रहे हैं, एक बनवा के 1.5 लाख का गेट बनवा के 10 लाख भुगतान लेके ये लोग बाहर जा रहे हैं, देश के आम लोग यहाँ के डुमरियागंज के लोग बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तब उनको रोजगार मिलता है। आप बताए भाई साहब, कोई जानता है और बेरोजगारी का शिकार यहाँ का हर युवा है, और सब लोग परेशान है, सब लोग परेशान है, आप बताए, आप बोले भारतीय जनता पार्टी से आप जो बार बार आप जा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछेंगे भारतीय जुमले आपके सवाल हम उन्हीं से जवाब देंगे, वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसने अपनी माँ को गिरवी रखकर, चाहे वो भारत माँ हो और चाहे वो गौ माता हो, अपनी माँ को गिरवी रखकर
का जिसका राजनीति की हो आप उसके बारे में जान सकते हैं। जिन्होंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा समझते, आज माँ का क्या हाल है, आज जो भारत चिपक रहा है, आज जो सब माता चिपक रही है, तड़प रही है, आज उसको हर कोई देख रहा है। और ऐसा बेहतर प्रधानमंत्री राजेश जी अपने नेता का अनुसरण कर रहे हैं। टाइम का भाव है भाई, जिस तरह का नेता झूठा है और पूरे देश को भगवा रंग में रंगना चाहता है, पूरे देश को, पूरे देश से हमारे झंडे को तिरंगे को हटाना चाहते हैं और आप दो पांच मिनट दो मिनट में रखिए, एक मिनट एक मिनट एक विधायक जी ने विधायक जी को यह कहते हैं कि सबका सबका विकास की बात करते हैं। अभी आपके 200 मीटर की दूरी में दो दिन पहले जब साझा खुद को गेट गिर गया, गेट गिरने से एक नौजवान का पैर टूट गया, आज उसके पैर में बस्ती में सरिया डलने जा रहा है। विधायक है उनका कोई जनप्रतिनिधि उसको देखने नहीं गया, ये क्या सबकी बात, सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। अब सीधा हम रुक करेंगे जनता जनार्दन के पास, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। आप बताइए आप आपका क्या पक्ष है, आप अपना एमआईएम का पक्ष है बताइए। जितने भी लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है, और बीजेपी, ये सब एक ही गोल के चलते बढ़ते हैं अपने समर्थकों के साथ आकर के और हल्ला कर करके फिर ये लोग जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। हमारी बात सुनिए, हमें आजम खान के ऊपर ये जनता जनार्दन के पास और सीधा रख सकता। आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सब लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कोई नहीं कर रहा है। आज ऑल इंडिया मजिस्ट्रेट इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब इसलिए आए हैं क्योंकि शोषित और वंचित समाज के अधिकार के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। आज तक कभी भी देखिए, आप बैठे जनता जनार्दन होती है और समय ले, एक मिनट आप बैठे जनता जनार्दन होती है। आप बताइए, जनता ही निष्पक्ष दिन लिखेगी 2022 के चुनाव में, जनता ही तभी लिखेगी अपने विकास की गाथा लिखेगी, जनता के पास चलते हैं समय। आप बताइए क्या नाम आपका, क्या क्या मानते हैं कि अपनी बात की नहीं चाहिए, किसको चाहिए और क्यों चाहिए, किसको चाहिए क्यों चाहिए? हमारे वाइसी साहब को चाहिए। ठीक, आप बताओ। हमको समाजवादी सरकार चाहिए क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री करने का। आप बताओ, आप बताओ, हमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप बताओ, और करने के लिए हो जाता है और पूरी उड़ा रहे मुसलमान को। आप बताइए क्या चाहिए और क्यों चाहिए, सपा दे सकते हैं, सपा कोई सरकार रोजगार नहीं दे सकता। आप बताओ क्या चाहिए आपको और क्यों चाहिए, आप बताइए आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, किसी सरकार होनी चाहिए। आप बताओ क्या चाहते हो, ये जनता जनार्दन की आवाज है, आप मेरे पास सब है, आप बताओ कितने देखिए, जनता जनार्दन की आवाज है और मिला है आपको सिद्धार्थ नगर में देखने को मिला कि मुद्दे तमाम है। राजनीतिक दल जो है भले ही राजनीतिक पार्टियां जो है राज की हो, निजाम भले ही बदले हो, लेकिन सिद्धार्थ नगर में विकास की जो गाथा है वो जब की तब है। अब फिर अगले विधानसभा से फिर हाजिर होंगे, तब तक मान यादव कैमरा पर्सन मान यादव को इजाजत के साथ हेमंत सिंह को इजाजत दीजिए और फिर जो है अगले पड़ाव पर हम फिर आपके साथ एक बार फिर मिलेंगे। शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान, सिविल सर्विस